आपको आज यहाँ पर संख्या कम लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ एक एक व्यक्ति अपने गांव का, अपने धानी का, अपने कस्बे का, अपने मोहल्ले का व्यक्तित्व रखता है, और ये विश्वास दिलाने के लिए यहाँ पर बैठा है आपको कि आप चिंता नहीं करें। राजसमंद इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में ऐतिहासिक जीत डालने वाला है। आपकी तरफ से मैं भाई साहब को कमिटमेंट कर रही हूँ, कर दूं ना? आपको बोलना पड़ेगा, फिर बाद में ये नहीं होना चाहिए कि दीप्ति जी ने बोला मैं आपके पीछे हूँ। तैयार हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से, राजसमंद से तो हटाने के लिए तैयार है ही, कि किस तरीके से कांग्रेस की एक भी सीट इस बार राजसमंद जिला में नहीं आने देंगे, लेकिन राजस्थान से भी हटाने का निश्चित संकल्प यहाँ की राजसमंद की जनता लेने वाली है, और उसका दारुमदार ये लोग अपने कंधे पे उठाने वाले हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि उपचुनाव में 7 सीटों में भी जब राजसमंद की जनता ने जो लड़ाई करी है, इस लड़ाई की ताकत आप जब 3 तारीख को पेटियां खुले तो आप देख लेना। लेकिन इस पूरी जनता की तरफ से मैं आपको ये निवेदन करूंगी, ये विनती करूंगी कि झोली भर कर ये आपके खाते में वोट डालने वाले हैं। झोली भर के काम जब ये डबल इंजन की सरकार हम बनाएंगे तो यहाँ पर राजसमंद की विधानसभा को भी आपको दिलवाने पड़ेंगे, उसका वादा हम आपसे चाहेंगे। हम सब इस बात को हमने तय करा है कि ये जो गाड़ी हमारी विकास की गाड़ी 13 से 18 में जो राजसमंद ने देखी थी, वो वापस 23 से 28 में चालू करने वाले हैं, और बहुत अच्छी बढ़िया सड़क पर वो गाड़ी सिर्फ चलने नहीं, दौड़ने वाली है। आपको हाँ कर कर इनको बताना पड़ेगा कि हाँ हम तैयार हैं, क्योंकि जो ये हमारी गाड़ी एक पहिए पे टेढ़ी टेढ़ी चल रही है, हमारे मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं दी हमारे लिए, भली वो जल जीवन मिशन के द्वारा हो, हर घर नल पहुंचाने के लिए हो, हर घर सिलेंडर पहुंचाने के लिए हो, अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से हो, सुकन्या योजना के माध्यम से हो, किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, आयुष्मान भारत के माध्यम से हो, ऐसी कोई योजना नहीं जो मोदी जी ने झोली भर कर हमारे लिए नहीं भेजी। लेकिन हमारी जो ये राजस्थान की सरकार है, इसने हमारे तक ये सब चीजें नहीं पहुंचने दी। तो अब हम सब मिलकर निर्णय कर रहे हैं, तय कर रहे हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फूल खिलाएंगे, और राजसमंद विधानसभा 175, आप नोट कर लेना, 200 विधानसभाओं में से सबसे पहले नंबर पर ये विधानसभा आने वाली है। बिल्कुल जिताने के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, हम सब तैयार हैं। आपको मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है, जो हमारे महिलाओं के लिए सिलेंडर 450 रुपए करने का, हमारे किसान भाइयों की सम्मान निधि को डबल करने का, हमारे सीएम आवास योजना के द्वारा लोगों को घर बनाने का, हमारे अलग अलग सारी बच्चियों के लिए स्कूटी देने का, हमारे महिला और माताओं की सुरक्षा के लिए जितने भी घोषणा निकाला है, उसका समर्थन राजसमंद की इस जनता ने पूरी तरीके से कर लिया है। इतना ही नहीं, एम्स और आईआईटी जब हर संभाग में यहाँ पर राजस्थान में आने वाले 5 साल में हमारी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, तो यहाँ के रोजगार के लिए, हमारे युवाओं के लिए नए आयाम खुलेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि राजसमंद में मार्बल उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है, तो हम सब ये जानते हैं कि पिछले 5 सालों में मार्बल व्यवसायी और उनका विकास किस तरीके से थम गया है। हम आपसे यही चाहेंगे कि इस मार्बल व्यवसाय के लिए, मार्बल मंडी बनाने के लिए आप भी अपनी तरफ से हमें प्रेरित करें, और जरूर से आने वाले 5 साल में हम मार्बल व्यवसायों के लिए भी यहाँ पे नए विकास के आयाम बनाएंगे। राजसमंद की जनता बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगी हमारी सांसद महोदय दिया कुमारी जी को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे रेल मंत्री
आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को, और इस समय दो ऐसे नाम जिनको हम याद नहीं करें तो ये सभा पूरी नहीं हो सकती, हमारे स्वर्गीय हरिओम सिंह जी राठौर और हमारी स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी को, जिनके निरंतर प्रयास से आज राजसमंद जो ब्रॉडगेज देखने जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इन सब की मेहनत से है। तो आप जब मोदी जी से मिले तो उनको ये कहिए कि पूरी राजसमंद की जनता उनको धन्यवाद देना चाहती है कि आज ये ब्रॉडगेज का काम, मावली मारवाड़ को जोड़ने का काम जो उन्होंने किया है, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को संक्षिप्त में अब रखते हुए आपसे यही बात कहूंगी कि राजसमंद की ये विधानसभा में आप जीत जरूर हासिल करेंगे। हम तो आपको यही कहेंगे कि उपचुनाव के बाद इस जनता ने सिपाही बनकर मेरा हाथ एक बड़े मार्गदर्शक के रूप में, हर माता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत स्नेह दिया है, हर बड़े बुजुर्ग ने मेरे को, जो ये 2.5 साल इस राजसमंद में हुए हैं, इस परिवार ने मुझे अपने दोनों हाथ खोलकर अपनाया ही नहीं, बहुत स्नेह और बहुत आशीर्वाद दिया है, और फिर से ये मुझे वो आशीर्वाद देने के लिए, हमारी पार्टी को वो आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। इसलिए अंत में मैं तो आपको एक ही बात कहूंगी कि हम सभी सिपाही हैं, सेनापति का नाम मोदी होगा, हम सब आहुति देंगे, इस महायज्ञ का नाम मोदी होगा, ईवीएम के बटन पर कमल निशान प्रतीक नाम मोदी होगा, 3 दिसंबर को सभी देखना, परिणाम मोदी होगा। आप यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत आभार। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।